भाषा एक ऐसी कड़ी है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है और दूरियों को कम करने का काम करती है। आज 14 सितंबर है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने का दिन। ये हिंदी भारतीयों के लिए खास है। हिंदी महज एक भाषा नहीं है, बल्कि भारतीयों की पहचान है। स्वदेश से दूर किसी विदेश में गंतव्य पर जब किसी हिंदी भाषी से मुलाकात होती है, तो अपने ही आप एहसास हो जाता है कि इस अनजान शख्स का नाता भारत से है। ये भारतीयों को जोड़ने वाली भाषा है। अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करें, तो देश में 122 भाषाएं हैं जो बोली और समझी जाती हैं। हालांकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ये देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का नाम भी शामिल है, जो कि तीसरे स्थान पर आता है, और इसलिए इस भाषा को मातृभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और कई शैक्षणिक संस्थानों पर हिंदी से जुड़े कई आयोजन किए जाते हैं। हिंदी हमारी संस्कृति की धरोहर और हमारी पहचान का प्रतीक है। अगर हम हिंदी दिवस मनाने के पीछे के इतिहास पर नज़र डालें, तो बताते चलें कि भारत जैसे देश में हिंदी भाषी हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, लेकिन इस भाषा का अस्तित्व हमेशा से खतरे में ही रहा है। 1918 में हिंदी के विद्वानों ने बढ़ती अंग्रेजी के माहौल में हिंदी का बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया था। इस सम्मेलन ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलवाने के लिए हर तरह से कोशिश की, जिसके बाद 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना था। राजभाषा आयोग ने इस दिन को मनाने का विचार प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर को हिंदी के महान साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। उन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।